और डॉक्टर सुकुमार अविश्वास इंस्पायर्ड इस कवि सम्मेलन में आपका यस यही है आपका स्वागत है। लेकिन पूरे हफ्ते का हालचाल बवाल गाकर सुनाकर बताने दिखाने और बजाने से पहले कुछ कहना चाहूंगा कि मूड में और मशीन में क्या कॉमन है कि दोनों कभी भी बिगड़ सकते हैं। ना ना ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि पूरे देश का इस वक्त मूड बिगड़ा हुआ है क्योंकि एक सीनियर जर्नलिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो चंद पंक्तियां उन्हीं के नाम की, कलम पर गोली चलवाना तो यूं अच्छा नहीं होता, अरे मरे को गाली दे जाना तो यूं अच्छा नहीं होता, अरे मंच पर सब इकट्ठा थे सभी ने बोला था कुछ कुछ, सारे जर्नलिस्ट एक साथ आए क्योंकि गौरी लंकेश की हत्या हुई। लेकिन जिस मंच पर वो लोग एक साथ आए थे उसमें कुछ नेतागण भी दिखे, तो अगली पंक्तियां उसी पर, कि मंच पर सब इकट्ठा थे सभी ने बोला था कुछ कुछ और उसी पे नेताओं का आना तो अच्छा नहीं होता। वैसे आगे बढ़ते हैं, इस देश के सबसे बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चाइना गए, तो अगली पंक्ति उन्हीं के नाम कि मोदी जी ने चाइना जाके ऐसी सेटिंग करानी है, अरे डोकलाम पे पड़ोसी ने फिर अपनी गलती मानी है। यानी कोई कह रहा था कि डोकलाम पर यानी बॉर्डर पर चीन की सेना 70 दिन से ज्यादा टिकी रही। बाप रे, मैं तो ये सोच रहा हूं अपने आप में एक रिकॉर्ड है, पूछो कैसे भाई, पहली बार कोई चाइनीज चीज इतना ज्यादा टिकी रही 70 दिन। अरे मोदी जी ने चाइना जाके थोड़ी सेटिंग करानी है, डोकलाम पे पड़ोसी ने फिर अपनी गलती मानी है, अरे कोरिया में एक पगला है जो हरदम बम बम करता है। ये कांवड़िया भाई नहीं है जो हमेशा बम बम बम, ये बॉम 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 करते हैं जिससे धोम 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 होता है। अरे कोरिया में एक पगला है हमेशा बम बम करता है, और ट्रंप कहते हैं इसी के बम पे हमको लात चलानी है, के अब मैं बंद करता हूं हमें क्या गा। 93.5 रेडियो।